आजकल की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि लोग खट्टी डकार, एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी समस्या से जूझ रहे हैं। खाना अगर सही से नहीं पचता तो खट्टी डकार आती है। ये कोई बीमारी नहीं है, इससे ये पता चलता है कि पेट में गैस या इन्फेक्शन है। ओवर ईटिंग, मसालेदार भोजन, स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक, शराब की लत या स्ट्रेस से भी खट्टी डकारें आ सकती हैं। डकार के साथ पेट में जलन होती है, उल्टी आती है, पेट फूल सकता है। आइए जानते हैं कि आप कैसे इन सब तकलीफों से निजात पा सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे नींबू पानी, सुबह उठते ही खट्टी डकार आती है तो एक गिलास पानी में नींबू डालकर पी लें। नींबू पानी में काला नमक मिलाकर पीने से जल्द राहत मिलती है। दही, दोपहर में खट्टी डकार आ रही है तो मीठी दही का सेवन करें। इससे पेट को ठंडक मिलेगी और खट्टी डकार की समस्या से राहत भी। सौंफ और मिश्री, सौंफ के साथ मिश्री का सेवन कर सकते हैं। सौंफ पाचन तंत्र को अच्छा बनाती है, पेट में गैस नहीं बनने देती और मिश्री से पेट को ठंडक मिलती है। जीरा और काला नमक, खाने के बाद अगर खट्टी डकार आती है तो 100 ग्राम जीरे को भूनकर पीस लें। रोज खाने के बाद एक गिलास पानी में आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक डालकर पिएं। हींग, हींग को पानी में घोलकर पीने से पेट का भारीपन और खट्टी डकार से आराम मिलता है। मेथी को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह इस पानी को खाली पेट पी लें। इसके सेवन से खट्टी डकार की समस्या से छुटकारा मिलता है। इलायची, इलायची खाने से गैस और खट्टी डकार की समस्या में आराम मिलता है। लौंग, खट्टी डकार आने पर लौंग का पानी या लौंग का सेवन फायदेमंद है। मुंह में खट्टा पानी आना हाइपर एसिडिटी का संकेत हो सकता है। हाइपर एसिडिटी होने पर पेट में जलन, गैस की समस्या होती है। इसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें सीने में ऊपर की तरफ दर्द होता है, कई बार खाना निकलने में परेशानी होती है। आइए हम आपको हाइपर एसिडिटी दूर करने के भी उपाय बताते हैं। एलोवेरा जूस, सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस के सेवन से एसिडिटी कंट्रोल होगी। आंवला, एसिडिटी या पेट दर्द होने पर विटामिन सी वाली डाइट फायदेमंद होती है, इससे डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त रहता है। नारियल पानी, इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को सही रखता है। पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, पानी हर मर्ज की दवा है, इससे डाइजेशन सिस्टम सही रहता है।